तो आज कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है। हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद। तो आज इसी श्रृंखला में बी अल्फाबेट से हम चर्चा कर रहे हैं। तो बी अल्फाबेट के पहले तो ये इसके गीतों को हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज तो इसको इसमें हम चर्चा करें। तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है लोचन दास ठाकुर के द्वारा ये भजन लिखा गया है। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है ये। ये भज भज हरि मन दृढ़ करी। इस भजन के ऊपर हम चर्चा अभी आज करेंगे। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तार नाम, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम, कखन मारिबे के मने तारिबे, विषम शमन डाके, जहार प्रतापे भुवन का पाए, न जानी मरवी पाके। तो ये भजन है जिसके ऊपर हम चर्चा अभी कर रहे हैं। भज भज हरि मन दृढ़ करी। हरि का भजन करो मन को दृढ़ करके, हरि का भजन करो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर तो इसमें भजन में क्या कह रहे हैं, हे मेरे मन, अपने मन को लोचन दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि पूरी दृढ़ श्रद्धा से भगवान हरि में, दृढ़ श्रद्धा से, पूरी दृढ़ श्रद्धा से, बिना दृढ़ श्रद्धा के नहीं हो पाएगा। भगवान का नाम लो अपने मुख से, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, श्याम सुंदर या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, या फिर भुवन मोहन श्याम सारे संसार को मोहित करने वाले, तो एक हमारे भक्त है उनका नाम है मोहन श्याम प्रभु तो दृढ़ मन करके भगवान का भजन करो। तो मन को ये शिक्षा दे रहे हैं लोचन दास ठाकुर कि मन, हे मेरे मन, पूरे श्रद्धा से फिक्स होकर के हरि का भजन कीजिए तो फिर मन कहता है कि इतना अभी दृढ़ होने की क्या जरूरत है, और भी बहुत सारा काम है, अभी इतना सारा चीज पड़ा हुआ है, पक्का करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, लेकिन अभी तो पहले और भी काम है वो कर लें, फिर करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं, पर यह है कि थोड़ा अभी। तो फिर लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, कखन मारी बे कि मने तरी बे, विषम शमन डाके, जहार
तो कह रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है कखन मरी बे, कब मरोगे कोई फिक्स नहीं। मान लो आज बहुत सारा सोच रहे हैं हम कि इनको वहां से एक प्लान बनाएंगे, ऐसे करेंगे, इनको हरा देंगे, उनको नीचा दिखा देंगे, इन्होंने मेरा अपमान किया, अब देखना एक दिन मैं इनको बदला लेकर के करूंगा, है ना ना, खून का बदला खून से लूंगा, अपमान का बदला अपमान से लूंगा। इस तरह से हो सकता है मन ये सब सोचे, और मन हो सकता है प्लान बहुत सारा बना करके सोचे, और इस क्षण में जो प्राप्त है उस भजन वो चीज ना करे, उसके आनंद न ले। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, लोचन दास ठाकुर ये कह रहे हैं, कब मरोगे कुछ मालूम नहीं है। पता चला अभी आजकल साइलेंट है, हार्ट अटैक का फैशन चला है, बस ऐसे ही व्यक्ति बस मर जाता है, कुछ पता नहीं क्यों मरा। तो कखन मरी बे के मने तरी बे, मतलब कैसे आपका मुक्ति होगा इसके बारे में भी नहीं सोच रहे, है ना। नहीं मर जाओगे अभी कुछ दिन, कभी भी मर सकते, कोई भरोसा तो है नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, और यमदूत तो पास में ही खड़े हैं, अब तुमने जो है भगवान को जहार प्रतापे भुवन का पाए, ये जो यमदूत वगैरह खड़े हैं सबको डराने वाले जो भगवान है, ना जानी मरवी पाके, उनको तुम भूल गए हो। ये बहुत जो है तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली है, इसीलिए तुम इस संसार में बहुत सारे कष्ट भोग रहे हो। ये कह रहे कि कब मर जाओगे कुछ मालूम नहीं है, बड़ा प्लान बना रहे हो ना, जो अभी तुरंत ही तो साइलेंट हार्ट अटैक आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा इतना देर तक समय इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, खून का बदला खून से लूंगा, है ना, नहीं इसमें नहीं वेस्ट करना चाहिए, भजन भक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, टक्कर में नहीं आ जाना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों में कुछ कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर दोनों ने कहा कि भाई हम जो जो पहले बोलेगा वो हार गया, ऐसा कुछ था कि जो पहले बोलेगा वो, तो फिर दोनों चुप हो गए, है ना, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। फिर कहीं कोई जाए ना, बस वही दिन भर चुप चुप रहना, शायद ऐसा कुछ था कि एक किसी एक किसी वस्तु के लिए झगड़ा हुआ था, तो फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, दोनों चुप एकदम। 2-3 दिन हो गया, लोगों ने सोचा घर में से कोई आवाज ही नहीं निकल रही है ना, लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम। चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये ऐसे ही थोड़ा था कि एक कोई ऐसे नोक झोंक, ईगो में कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती, अरे सारा ईगो ऐसे ही रह जाता है, दो मीठे बातें करके सुलझा लेना चाहिए। आप जिस चीज को दिन भर सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं, कल सोच रहे हैं, परसों सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया, जा करके एक बार बात करके, बस एक बार मुस्कुरा करके दो बातें कर लेना, सब सॉल्व हो जाता है। ये संसार में बहुत दिन तक ग्रज नहीं रखना चाहिए, हम शहनशाह क्या है, शहनशाह क्या हिंदुस्तान है, और वो मल्लिकाए पाकिस्तान है, ये इसमें जो है इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए, दो बातें करके डीला कर लेना चाहिए, मैटर को ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन तक इसको लेके नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये क्या ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कखन मरी बे के मने तरी बे, विषम शमन डाके, जहार प्रतापे भुवन कापये,
न जानी मरवी पाके। जिसके प्रताप से सारा भुवन कांपने लगता है उसका बस भजन करना चाहिए। बाकी जो प्लान, तो हम, ये बात सही है कि अन्याय तो हमारे साथ होगा, जैसे ही अन्याय होगा हम प्लान बना लेंगे। अच्छा, इन्होंने मेरा अपमान किया ना, अब देखो ऐसा मैं कार्य करूंगा कि एक दिन इनको मेरा सम्मान करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर गधे के जैसे मेहनत करो। इसलिए बार बार बोला जा रहा है, ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे विनम्र हो जाओ भैया, जो भी जिसको करना हो करे जाए, जीतना है जीते। ह्यूमिलिटी रहने से टाइम बहुत बच जाता है, बहुत टाइम बच जाता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है। नहीं तो दुश्मनी करने से बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। कुल धन पाइया उन्मत्त हैया, अपना के जाने बड़ा, समनेर दुटे धरी पाए हाटे, बधिया करीबे जड़ा। अब कह रहे हैं कि अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी तुमको मिल गई है उनसे, अपने पापा की तरफ से, उसको देख करके बहुत हर्षित हो रहे हो क्या? अपने को बहुत बड़ा भी बता रहे कि मैं इस कुल में जन्म लिया। लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि जब यमदूत आएंगे, शमनेर दूटे धरी पाए हाटे, कह रहे हैं कि वहां के जो यमदूत आएंगे वो दो लोग हाथ पकड़ेंगे, दो लोग पैर पकड़ेंगे, और पाए हाथ पार हाथ पकड़ के बांध करके जद लेके जाएंगे आप। उस समय ये नहीं पूछेंगे, अरे अच्छा तुम्हारे, ओहो तुम्हारे प्रयागराज में भी प्रॉपर्टी है, अच्छा तुम्हारी वहां चंडीगढ़ में भी एक फ्लैट बनवा लिया तुम्हें, रस्सी खोलो रस्सी खोलो, इसका रस्सी खोलो। अरे ऐसे जितना प्लान बना लो भाई, 20 साल जिंदगी का बचा हुआ है। अब देखो 35 35 36 साल के तो हो ही गए, 4 साल में 40 और 20 साल और बचा, 60 साल के बाद तो बब 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 करना है। तो उसको तो यही कहा जाएगा कि इंतजार कर रहे हैं मरने का बेसिकली, और क्या। अब जब यही खुशी मान लो, अब मैंने देखता हूँ ना जो बहुत बूढ़े होते हैं उनकी खुशी क्या होती, कौन सा चूरन खाया कि पेट पूरा साफ हुआ, बस यही है, यही सुख है। तो इसलिए इस संसार में कितने दिन जिंदा ही रहना, बताओ कितने दिन जीवित रहे। तो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहते। अब जब बहुत दिन तक जीवित, अभी प्लान बनाने से ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बहुत प्लान बनाने से ज्यादा फायदा नहीं होता। हम खूब प्लान बना लें, 1,000 दुश्मन ले लें, सब कुछ कर लें, और पता चले पुप आया, एक साइलेंट हार्ट अटैक आया, खत्म। सब लोग कहने लगे ऐसे इतने बुरे नहीं थे, हाँ हमारा 10 लाख रुपए लेकर के मरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं थे, ऐसे ही सब लोग बोले। तो इसलिए कह रहे हैं ज्यादा दुनिया में हीरो नहीं बनना चाहिए। तुमने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं, ले लो कर लो फिर युद्ध कर लो, ये सब कुछ नहीं, नीचा ऊंचा कुछ भी नहीं होता, बाद में फिर सब सब एक ही लेवल पे आ जाते। एक लकड़ी का बेड लगाया जाता है सबको, लकड़ी के यहाँ पे तो हो सकता है आपको, अभी मटेरियल वर्ल्ड है ना, तो कोई एक अच्छी चेयर मिलेगी, कहीं पे अच्छी चेयर नहीं मिलेगी, लास्ट में सबको एक ही जैसी चेयर मिलती है, सब लकड़ी के बेड पे लगा करके लोग आग लगा देते हैं, मुख आग्नि। तो 20 साल बचा है, अब आप इसमें देख लो, अब आप क्या करना है आपको, यहाँ की पार्टी वहां की पार्टी बहुत सारा चीज। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनबेवरेबल होते हैं, मैं बात करें तो गाली दे, ऐसे लोगों को फिर थोड़ा अवॉइड कर दे, पर चुपके चाप चाप अपने पतली गली से निकल जाना चाहिए, ज्यादा इस संसार में युद्ध के लिए नहीं लड़ना चाहिए। लोग तो आएंगे बोलेंगे आपको, इधर मेरे साथ युद्ध करो, इधर आओ। माया देवी भी ऐसे ही करती हूँ, मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी, एक जगह पे क्रिकेट खेल रहे होते लोग। कुछ बच्चे खेल रहे होते,
लोग बहुत शोर देख करके बहुत नाराज होते हैं, डांटते भी हैं, पर बच्चे नहीं मानते। कुछ समय के बाद एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आता है, सारे बच्चों को कहता है कि तुम लोग इतना अच्छा खेल रहे हो, तुमको 10 रुपए भी मिलेगा और चॉकलेट भी। सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति आता है और सारे बच्चों को बुलाता है, लेकिन केवल चॉकलेट देता है, 10 रुपए नहीं देता। बच्चे बोलते हैं, अरे क्या सिर्फ चॉकलेट दे रहे, 10 रुपए नहीं दे रहे? चलो अच्छा खेल लेंगे, आपके कॉलोनी में लगे, अगली बार से सप्लाई ठीक होनी चाहिए। फिर दोबारा कुछ देर के बाद वो व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति बस थपथपाता है सब बच्चों को कि भाई बहुत अच्छा क्रिकेट आप लोग खेल रहे। तो बच्चों को लगता है ना चॉकलेट दिया ना 10 रुपए दिया, ऐसे की तैसी तुम्हारी कॉलोनी की, हम जा रहे दूसरी कॉलोनी में खेल। ऐसे ही माया देवी, हमको पहले अगर हमने कुछ छोड़ दिया है तो अलग बात है, लेकिन पहले जब दे देती है फिर छीन लेती है, तो फिर व्यक्ति एकदम पागल हो जाता है ना, मिलने वाला था, मिलने वाला था, नहीं मिला, एकदम पागल हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है। तो ये चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, कुल धन पाइया उन्मत्त हैया, अपना के जान बड़ा, शमने रह दुटी दुटे धरी पाए हटे, बांधिया करी बेजड़ा, हाथ पैर बांध के ले जाएंगे। अब गिनती गिन लीजिए, टोटल मिला करके 24 साल बचा है, अब 24 साल में जो करना है देख। किबा यति शति किबा नीच जाति, जेई हरि नाहीं भजे। अपने को ज्यादा सन्यासी मत समझो, अपने को ज्यादा सती स्त्री मत समझो, और कोई नीच जाति भी ना समझे, क्योंकि हरि का भजन करने के अनुसार ही इस चीज का निर्धारण होता है। तबे जनमिया ब्रह्म भ्रमिया भ्रमिया रौरव नर के मजे। और अगर इसका मतलब जो भी आपने कार्य किया उसका पाश्चित नहीं करेंगे तो यहाँ रौरव नरक में डाला जाएगा। इदास लोचन भावे अनुक्षण मिचाई जन्म गेला, हरिना भजिनो विषय मजिनु हृदय रहल सेला। तो बहुत कम समय बचा है, झगड़ा करने का टाइम नहीं है। हाँ बहुत कम टाइम बचा है, टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, इसमें भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए सभी को चाहिए इस चीज को ध्यान रखें। अब थोड़ा समय बचा है, इसी में ही सब कुछ करना है। कुछ दिन के, अब कोई सोच रहा होगा कि अरे नहीं, मेरी तो अभी 24 साल एज है या 20 साल ही एज, फिर भी मैं भगवान के भजन के लिए, समय कम है, ये बहुत कम समय है, इसमें आप पंगे लेते हुए जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि सारे युद्ध लड़ने में, सबको हराने में, इनको नीचा दिखाओ, उनको ऊंचे दिखाओ, इनको वहां करो, उनको वहां करो, ये सारी चीज को करने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। अपने आंतरिक शुद्धि के लिए कार्य करो, बहुत समय बचा है तो 64 माला का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते करते रोइए, सारे भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों को पढ़ पढ़ के रोइए कि मैं किस प्रकार से उस भगवान के धाम में था, भगवान मुझसे इतना प्रेम करते थे, मैं यहाँ पर चला आया। और भगवान का नाम लेकर के, भगवान से प्रार्थना करके अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि हरि का भजन करो और ज्यादा सोचो मत, ज्यादा अभी मर जाएंगे, कभी मर जाएंगे कुछ मालूम नहीं, तो इसीलिए प्लान बहुत ज्यादा मत बनाओ कि ऐसे करेंगे, आगे करेंगे, ये करेंगे, नहीं। और अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, बहुत कम समय बचा है। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे बोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।